हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदा नंदन ब्रज जननंदन, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद हरे, जय राधा माधव राधा माधव हरे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभु नित्य गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर नित्य गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से जो लुटेरे थे, रॉबर्स थे, उन्होंने नित्यानंद प्रभु के पास बहुत सारे गहने देखे, आभूषण पहने हुए देखे, उन्होंने उनको लूटने का सोचा था। तो पहली रात्रि को जो प्रयास किया था, उस रात्रि को तो उनको सबको नींद आ गई, जो डकैत डकैत थे, लूटने वाले थे। वो वेट कर रहे थे कि नित्यानंद प्रभु, बाकी सब जो नित्यानंद प्रभु के यहाँ जो कीर्तन करने आए हैं, नित्यानंद प्रभु जिस भ्रमण के रुक रहे थे, उस ब्राह्मण का जो कीर्तन करने आए, सब सो जाएंगे तब हम लूटेंगे। लेकिन भगवान की माया शक्ति से लुटेरे स्वयं सो गए और उनको नींद आ गई। और वो इस प्रकार से सुबह उठे तो देखा कि सब एक दूसरे को दोष दे रहे थे, आप पहले सोए थे, आप पहले सोए थे, इसलिए उस दिन नित्यानंद प्रभु को लूट नहीं पाए। अगले दिन जो उन्होंने हाथों में बहुत सारे हथियार लिए और ब्लू क्लॉथ में, नीले नील वस्त्रों में, और ब्रेव हीरोज के समान लग रहे थे। आगे बोलते हैं, महा महानिशेश्वरे लोक
अच्छे सन है नहीं समय वेदी काए दस्य गण। रात्रि में, मध्य रात्रि में जब सब कोई सो गया था, तो ये सारे जो डेकोइट्स थे, डकैत थे, लुटेरे थे, ये आए और उन्होंने उस घर को घेर लिया जिस घर में नित्यानंद प्रभु रह रहे थे। बाप में ब्राह्मण के यहाँ बादी रानी कटे था कि दस्यु गण देखे चतुर दिखे अनेक पाई के बड़ी रख। जैसे जो डकैत थे वो घर के पास में आए, उन्होंने देखा कि बहुत सारे सिपाही जो उस घर को घेर के खड़े हैं, बहुत सारे सोल्जर सिपाही उस घर को घेर के खड़े। चतुर दिखे अस्त्रधारी पद टीक गण निरावधि हरि नाम करे न ग्रहण। वो सोल्जर जो चारों तरफ सिपाही खड़े थे, नित्यानंद प्रभु जिस घर में रुके थे उसमें सिपाही कहाँ से आ गए कोई नहीं जानता। डकैतों ने देखा कि सिपाही चारों तरफ से गए, उनके हाथ में हथियार थे और सारी दिशाओं में, चारों दिशाओं में घेरा हुआ था, और वो कॉन्स्टेंटली सारे सिपाही हरि का नाम ले रहे थे जोर जोर से। परम प्रकांड मूर्ति सभी उदन नाना अस्त्रधारी सभी परम प्रचंड। उनके पास बड़े बड़े लोग थे, पावरफुल शरीर था उनका, शक्तिशाली, ऐसा लगता था उनको जीतना बहुत मुश्किल है, और बड़े बड़े हथियारों से लैस थे। ये देखिए नित्यानंद प्रभु की लीला ऐसी थी, ये डकैत आए तो देखा कि ये खड़े रहे। पहली रात्रि को डकैत सो गए, उनको नींद आ गई, लूट नहीं पाए। दूसरी रात्रि को ये हो गया, सर्वदस्यु गण देखे तारे को जन सत जानो मारी ते परे सही क्षण। डाको देख पा रहे थे कि उनमें से हर एक सोल्जर इतना पावरफुल लग रहा था कि वो एक बार में 100 लोगों को मार सकता था एक क्षण। सबार गलाया माला सर्वांगे चंदन निरावधि करी ते छे नाम संकीर्तन। उनके सबके गले में फूल माला थी, उनका शरीर जो है सैंडलवुड पेस्ट चंदन से लेप था, और सब मिलके हरि का नाम जप रहे थे, संकीर्तन कर रहे थे। नित्यानंद ने प्रभु मेरे आछे न शयन चतुर देखे कृष्ण गाए सही सब गण। नित्यानंद प्रभु अंदर आराम से सो रहे थे, और ये जो उनके सिपाही बाहर थे ये चारों हरि का नाम ले रहे थे। दस्यु गण ने देखी बड़ हैले विस्मित बाड़ी छड़ी सबे वासी लेना एक भाई। इस सिचुएशन को देख के जो डकैत थे वो आश्चर्यचकित हो गए, वो घर से दूर गए और एक जगह एक कॉर्नर में जाके बैठ गए। सर्वदस्यु गण युक्ति लागीला करीते कोठा करे पादती का आईले थते। वो सारे डकैत जो डकैत थे सब बैठ गए, डिस्कस करने लगे आपस में, ये सारे सोल्जर कहाँ से आ गए, इतने सारे सिपाही कहाँ से आ गए। कि हाँ बोले अवधूते के मते जानिया कहा रे पाई का आनी अच्छे मागे। एक उसमें से एक डकैत ने बोला, ये जो अवधूत है नित्यानंद, लगता है इनको हमारा प्लान पता लग गया है, और इन्होंने कहीं से ये सिपाही उधार से ले लिया, किसी से उधार ले लिया सिपाही। कि हाँ बोले भाई अवधूत पर जानी माझे माझे अनेक लोके रे मुखे सुनी। उसमें से दूसरा डकैत किसी दूसरे ने बोला, ओ भाई मैंने सुन रखा है कई लोगों से कि अवधूत जो है ये बहुत बुद्धिमान है, ज्ञानवान बड़ा अवधूत महाशय आपना रे रक्षा की बा आपने करे। ये अवधूत महाशय बहुत इंटेलिजेंट है और वो अपने रक्षा खुद कर लेता है। अन्यथा जे सब देखी पढ़ाती का गण मनुष्य रे मत नाही देखी एक जन। अदरवाइज तो ये देखिए सोल्जर, ये जो सिपाही है, हमने देखा कि एक मनुष्य जैसे भी नहीं है, उनसे भी बहुत भारी, बड़े भारी भरकम लगते हैं। ये न बुझे ये सब शक्ति रे प्रभावे गोसाई करी अता ने कहे सब। मैं सोचता हूँ कि गोलोग इनको गोसाई बोलते हैं क्योंकि इनका इतना ज्यादा प्रभाव है, सब लोग इनको गोसाई बोलते हैं। आर के है बोले तुम्हें अबूत जे भाई जे खाया जे पारे से वाके माता गोसाई।
किसी कोई दूसरा बोलता है, ओ भाई तुम मूर्ख हो। तो मूर्ख को जो व्यक्ति इतना खाता है और ऐसा ड्रेस पहनता है उसको गोसाई कैसे बोल सकते हैं? नित्यानंद प्रभु तो सोने के इतने ड्रेस पहनते हैं, गहने पहनते हैं और सारा साफा बांधे रहते हैं, इसको गोसाई कैसे बोल सकते हैं? जो इतना खाता है व्यक्ति और अपने आप को इतना सुसज्जित करता है वस्त्रों से और गहनों से, इसको आत्मनियंत्रित पर्सन या गोसाई कैसे बोल सकते हैं? गोसाई की तो सारी इंद्रिया नियंत्रित रहती है, वो तो बहुत सादा रहता है। सकल दस्यु सेनापति जे ब्राह्मण से बोले जानी लेना सकल कर। जो ब्राह्मण लीडर है डेकोइट का, जो ब्राह्मण का पुत्र था लेकिन अभी दस्यु जैसे काम करता, वो बोलता है मैं कारण जानता हूँ। यत तो बड़े बड़े लोग चारी दिखे है ते सभी ऐसे ना व धोते रह देखी थे। बड़े बड़े प्रभावी लोग, बड़े बड़े पावरफुल लोग बाहर से इधर उधर से आते हैं इस अवधूत को देखने के लिए। कौन दिखे है ते कौन राजे रे लक्षर है, कौन कौन दिखे है ते कौन राजे रे लश्कर आशी अच्छे तारे पदा तीखा बहुत रे। एक बार एक किंग का सेनापति आया था, राजा का सेनापति आया, कई सैनिकों के साथ में आया था। आते हुए पदाति का सकल भाव का यही से कारण हरी हरी करे जपा। ये जो सोल्जर हैं सब सेंटिमेंटल है, ज्यादा शाही सिपाही सेंटिमेंटल है, सेंटिमेंटल है, भावुक हैं और इसलिए हरि का नाम जप रहे हैं। ए बना है कौन पदाति का अनि थके तबे कत दिन एदा दिए ए पाके। ओ अभी तो फिर राई सीधा उचित समय नहीं है, यहाँ पे तो सब सिपाही हैं, हम कुछ दिन इंतजार करते हैं, कुछ दिन बाद आएंगे। आते वो चल सब आज ही घरे जाए छुपे छुपे दीन दास वासी था कि भाई, इसलिए आज हम घर अपने अपने घर चलते हैं। ए भाइयों अब हम 10 दिनों तक चुपचाप वे इंतजार करेंगे। एता बोली दस्यु गण गेला निजे घरे अवधूत चंद्र प्रभु स्वच्छंद देवी हरे। इस प्रकार से जब उनके दस्यु के लीडर ने उनको ऐसा बोला तो सारे डेकोइट्स जो दस्यु थे अपने अपने घर आ गए। इस बीच में अवधूत चंद्र जो प्रभु हैं वो अपनी लीलाएं, नित्यानंद प्रभु अपनी लीलाएं आनंद प्राप्त करते रहे। नित्यानंद चरण भजय जय जय जान सर्व विघ्न खंडता सबर स्मरण। उन लोगों को भी याद करने से जिनके चरणों की पूजा नित्यानंद उन लोगों को याद करने से जिन चरणों की पूजा नित्यानंद प्रभु करते हैं सारे बाधाएं विनाश हो जाती है। न नित्यानंद प्रभु विहार आपने ताहने करी दे विघ्न पार कौन जने। तो जब नित्यानंद प्रभु स्वयं ये लीला का आनंद प्राप्त करते हैं उसमें कौन बाधा पहुंचा सकता है? जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं वो हमेशा बाधाएं पहुंचाते हैं संत लोगों के प्रयास में। अपनी पाप पूर्ण मेंटेलिटी के कारण वे सारे प्रकार के बाधाएं क्रिएट करते हैं, जो भी अच्छी क्रिया उसमें बाधाएं क्रिएट करते हैं। पर कोई भी ईर्ष्यालु व्यक्ति श्री नित्यानंद प्रभु के कार्य में बाधा नहीं पहुंचा सकता। अविद्या खंडाई जार दासे रसमरण से प्रभु रे विघ्न करी वे का कौन जन।
भगवान के सामने कौन बाधा पहुंचा सकता है? उस उन भगवान के कार्य में कौन बाधा पहुंचा सकता है? जब कोई उनके सेवक को याद करने से सारी बाधाएं खत्म हो जाती। नित्यानंद प्रभु के कार्य में कौन बाधा पहुंचा सकता है? नित्यानंद प्रभु तो स्वामी है, भगवान के सारे सेवकों के स्वामी है। तो अगर कोई व्यक्ति नित्यानंद प्रभु के सेवक को भी याद करता है तो उसके सारे पाप पुण्य क्रियाएं भी नष्ट हो जाती है। सर्वगण सह विघ्न नाथ जान दास, जान अंश रुद्र करे जगत विनाश, जरा अंश नादिता भुवन कंप है ना प्रभु नित्यानंद करे तानंद भय। गणेश जो सारी बाधाओं को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उनके जो पार्षद है उन इन नित्यानंद प्रभु की सेवा करते हैं। रुद्र जो उनका अंश है, अंशों के अंश है, जो सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर देते हैं, और जो अनंत है उनके अंश है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो जब डिस्टर्ब होते हैं सारा जगत कांपने लगता है। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु किससे डरेंगे? जब रुद्र का जब रुद्र जो स्वयं गुण अवतार है, भगवान के अंश अंश है, नित्यानंद प्रभु के अंश है, जब वो पूरे विश्व का विनाश कर सकते हैं, जब गणपति जो गणेश जो है और उनके पार्षद उनका हमेशा उनकी सेवा में लगे रहते हैं, और जब ऐसे नित्यानंद प्रभु के जो अंश हैं अनंत जो पूरे ब्रह्मांड को धारण करते हैं, वो थोड़े से रेस्टलेस हो जाते हैं तो 14 लोग कांपने लगते हैं। तो इसमें ऐसे नित्यानंद प्रभु से कौन डरेगा? कौन नहीं, ऐसे 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 नित्यानंद प्रभु किससे डरेंगे? क्योंकि श्रीमद् भागवतम में आता है, भगवान स्वयं बोलते हैं, मद भयात वाति वातोयम् सूर्या सपति मद भयात वरस सतीन्द्रो दहयाति अग्निर् मृत्युश्चरति मद भयात। भगवान बोलते हैं, मेरी श्रेष्ठता के कारण हवा बहती है, मेरे भय के कारण सूर्य चमकता है, और वर्षा के देवता इंद्र मेरे भय से वर्षा करता है, अग्नि जो है मेरे डर से जलाती है, और डेथ मृत्यु जो है मेरे भय से सब सबका अंतकाल लाती है। श्रीमद् भागवतम में आ गया था कि भगवान विष्णु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो सारे यज्ञों के भोक्ता है, वही काल है और वही स्वामियों के स्वामी है, वही सबके हृदय में निवास करते हैं और वो सबको सपोर्ट करते हैं। आगे आता है, कोई भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रिय नहीं है, या कोई भी उनका शत्रु मित्र नहीं है, बट वो उन लोगों को प्रेरणा देते हैं जिन्होंने उन लोगों को प्रेरणा देते हैं जो उनको भूल गए हैं, और उन लोगों का विनाश कर देते हैं, उन लोगों को प्रेरणा देते हैं जो उनको भूले नहीं है,
और उन लोगों को विनाश कर देते हैं जो उनको भूल गए। भगवान के भय से ही वृक्ष, लताएं, औषधियां, सीजनल प्लांट और फ्लावर, सीजनल पौधे और पुष्प जो हैं, फूलते और फलते हैं अपने अपने सीजन में। आगे बोलते हैं, भगवान के भय से ही नदियां बहती हैं और समुद्र कभी अपनी सीमा नहीं लांघते, उनके भय से ही अग्नि जलती है। पृथ्वी जो है पर्वतों से भरी हुई पृथ्वी इस ब्रह्मांड में डूबती नहीं है। भगवान के नियंत्रण के कारण ही जो आकाश है, आकाश जो है आकाश के भारी जगह पे सारे लोक हैं जिसमें असंख्य जीव जीव होते हैं, जो सारा ब्रह्मांड है वो विस्तार होता है, जो सात कवरिंग है उसके पूर्ण नियंत्रण में। भगवान के भाई से ही जो भौतिक प्रकृति के देवता है वो अपना सृष्टि को बनाने का, पालन करने का और विनाश करने का काम करते हैं। जो भी जीवित और जड़ वस्तु, चेतना जड़ वस्तु इस भौतिक जगत में उनके कंट्रोल में। जो काल है जिसका कोई न तो आदि न अंत है वो भगवान का प्रतिनिधि है। यही इस जगत का विनाश करता है, सृष्टि की रचना करता है काल और उसका विनाश करता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया, यत पद पल्लव युगम विनिध्या कुंभे, कि मैं उन भगवान गोविंद का प्रार्थना करता हूं, गणेश जी जो है हमेशा उनके चरण कमल पकड़ के रखते हैं और वहां से शक्ति प्राप्त करते हैं और सब बाधाओं का विनाश करते हैं। आगे बोलते हैं, सर्व नव दीपे करे स्वच्छंदे कीर्तन, स्वच्छंदे करे न क्रीड़ा भोजन शयन। ऐसे नित्यानंद प्रभु फ्रीली नवदीप में कीर्तन कर रहे हैं और बड़े आनंद के साथ में अपना खाने का और सोने का लीलाएं करते हैं। सर्व अंगे सकल अमूल्य अलंकार, जेना देखी बलदेव रोहिणी कुमार। अमूल्य बहुमूल्य आभूषण उनके शरीर को शोभा देते हैं, वो बलदेव के समान, जो रोहिणी के पुत्र बलदेव के समान लगते हैं। कर्पूर तांबूल प्रभु करे न चरवन, इसत हसिया मोहे जगत जन मन। वो सुपारी चबाते हैं, पान सुपारी, तांबूल सुपारी चबाते हैं कैम्फर के साथ, कपूर के साथ में और उनकी मधुर मुस्कान पूरे जगत को आकर्षित करती। अभय परमानंद बोले सर्व स्थाने, अभय परमानंद भक्त गोष्ठी छाने। वो बिना किसी भय के
भक्तों के संग में चारों तरफ घूमते रहते हैं। आर बारे युक्ति करी पापी दस्युगन आइले न नित्यानंद चंद्रे रे भावना। जो पापी डकैत थे उन्होंने तुरंत एक अनादर प्लान बनाया और उस स्थान पर इकट्ठे हुए जहां पर नित्यानंद प्रभु रुके हुए थे। देव सही दिने महा मेघे अंग अंधकार महा घोर निस्तानी लोकेर संचार। विधाता के अरेंजमेंट से उस दिन कंप्लीट डार्क था, घने बादल थे और नाइट में कोई भी व्यक्ति नहीं था। महाभयंकर निशा चोर दस्यु गण दास पंच अष्टरे को जने रकाच। उस भयानक रात्रि के दिन हर एक जो डकैत था वो 5 से 10 हथियार ले आया। प्रविष्टि हैला मात्र बड़ी रा भीतरे सबे हैला अंध के यहाँ चाहिए तेना पर। जैसे वो लोग घर के आंगन में घुसे इस बार चोरी करने में अंदर तो घुस गए लेकिन उनको आंखों से कुछ दिख ही नहीं रहा था। किचु न है देखे अंधा हैले दस्युगण सभी हैला हत प्राण बुद्धिमान। ये 10 लोग इतने अंधे हो गए कि कोई कुछ भी नहीं देख पा रहे थे और उनके प्राणवायु उनकी बुद्धि और उनके मन जो है एकदम पैरालाइज हो गए। है गिया पद गद खेरा भीतरे झोंके पोके दांसे तारे कामा दे मारे। कुछ लोग खाई में गिर गए और लीच और कीड़ों मकोड़े और मधुमक्खियों ने उनको खा लिया, उनको काटने लगे। उच्छिष्ट गर्तरे के है गिया पड़े तथा है मारा है बिछा पोकरे कामा दे। कुछ लोग उस गड्ढे में गिर गए जहां पे उच्छिष्ट जूठा भोजन गिरा था और कीड़े और बिच्छू के उनको काटने लगे। के हाँ पदे गिया कांता रे ऊपर सर्व अंगे फूटे कांता नाड़ी तेना परे। कुछ लोग कांटों पे गिर पड़े जिससे उनका पूरा शरीर में घाव आ गए और आगे चल नहीं पा रहे थे। खाले रे भीतरे गिया पड़े कौन जान अस्त पड़े भांगी के है करे क्रंदन। कई लोग बड़े हॉल में गिर गए, उनके हाथ पैर टूट गए और वो रोने लगे। सही खाने करो करो गाय आई लज्वर सर्वदस्यु गण चिंता पहले अंतर। कई दस्युओं को फीवर हो गया पर उनमें से हर एक कोई जो है भयभीत था। है नहीं समय इंद्र परम कौतुकी करी ते लागेले महा झड़ वर्षित। और उस समय इंद्र ने भारी बारिश कर दी, थंडर स्टॉर्म कर दिया। ये सारे दस्यु जब नित्यानंद प्रभु को लूटने के लिए गए तो पहली बार तो रात को नींद आ गई थी, पहले एक बार लूटने, दूसरी बार उन्होंने देखा कि बहुत सारे सोल्जर सिपाही खड़े हैं, तीसरी बार ये हालत हो गई। एक के मारे दस्यु पोका झोंक करे कामा दे विशेष मरियारो महावृष्टि झड़। पहले तो वो सबको कीड़े और लीच और इंसेक्ट काट रहे थे, तो उसके बाद में भयानक तूफान आ गया। शिलावृष्टि पदे सब अंगेरा ऊपरे प्राण नाही जाए भासे दुखरे सागरे। ओले उन पे गिरने लगे, शिलावृष्टि होने लगी पर वो उनकी मृत्यु नहीं हुई, वो केवल कष्ट के सागर में
कष्ट के सागर में डूब गए। हेना से पदय को महा झंझना, त्रासे मोर्चा जाए सब पासारी अपना। उसके बाद एक बिजली का झटका लगा, वे अपने आप को भूल गए और भय से सारी चेतना खो बैठे। महावृष्टि दस्युगण भिजे निरंतर महासीते सभारे कंपिता कलेवर। भारी वर्षा के कारण जो डकैत थे दस्यु थे कंप्लीटली गीले हो गए और कोल्ड से ठंड से कांपने लगे। अंध हई अच्छे किच्छु न पाए देखी ते मारे दस्यु गने महा झटे वृष्टि सीते। वो अंधे हो गए और कुछ भी देख नहीं पा रहे थे ओलावृष्टि से, शिलावृष्टि से, और अभी भयंकर तूफान आ गया शीतलहर। नित्यानंद द्रोहे असी अच्छे जानिया, क्रोधे इंद्र विशेष मारे न दुखे दिया। जब इंद्र को पता लगा कि ये लोग नित्यानंद प्रभु को ट्रबल देने आए, तो क्रोधित इंद्र ने उनको कठोर दंड दिया। कतोक्ष ने दस्यु सेना पति जे ब्राह्मण, अक्षमात भाग्यतार हैला स्मरण। उसमें से कुछ समय पश्चात जो ब्राह्मण लीडर था उन डाकुओं में से, उसके उसके मन में सडनली एक विचार आया। मने भावे विप्र नित्य नंद नर दहे, नहे सत्य एहो ईश्वर मनुष्य कबे कहे। उस ब्राह्मण ने जो उनका डकैतों का लीडर था, उसने सोचा कि नित्यानंद प्रभु एक सामान्य ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, बट वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। एक दिन मोहि लेना सवारी निद्राए, तथापि न बुझिल बुझिल मिश्र व माया है। एक दिन तो उसने हमें भ्रमित कर दिया नींद से, हम कुछ नहीं समझ पाए भगवान की इस मायावी शक्ति से। आर दिन महाद्भुत पद तिक गण, देखी ल तब मोर नाही ल चेतन। अगले दिन उसने हमें बहुत अद्भुत सोल्जर सिपाही दिखा दिए, लेकिन फिर भी हमें हमारी इंद्रिया नहीं जाग पाई। जोगाए मुनि पापी स्थिर ए सब दुर्गति, हरि ते प्रभुर धन जैन कली कैलो नमति। हम जैसे पापी व्यक्ति के लिए तो ये जो कुछ हो रहा सही है, क्योंकि हमने उस भगवान की धन को लूटना चाहा। ए महाशंखे मोर के करीब पार, नित्यानंद बोई मार गति नहीं आ। सो हमें कौन उस भयानक, कौन हमें इस भयानक खतरे से बचाना चाहेगा? हमारा तो नित्यानंद प्रभु के अलावा कोई और आश्रय नहीं। ये जो डकैतों का सरदार जो ब्राह्मण का पुत्र था वो बोल रहा है सर। एता भावी द्विज नित्या मंदिर चरण, चिंत चिंती है एकांत भावे लैला शरण। इस प्रकार से सोच के जो ब्राह्मण जो डकैतों का सरदार था, उसने ध्यान किया और ध्यान में मन में भगवान नित्यानंद प्रभु के चरणों की पूरी शरण ले ली। से चरण चिंती ले आपदा नहीं आर, से क्षण कोटिया पर राधिर और निस्तार। उनके चरण कमलों पर ध्यान देके जिस व्यक्ति ने करोड़ों अपराध भी किए हैं, वो भी सारे कठिनाइयों से मुक्त हो जाता है। रक्षा रक्षा नित्यानंद श्री बाल गोपाल, रक्षा करे प्रभु तुम्ही सर्व जीव पाल। वो नित्यानंद और बाल गोपाल मेरी रक्षा कीजिए, हे भगवान आप तो सभी जीवों के पालक हैं, मुझे मेरी रक्षा कीजिए। ये कौन गा रहा है? ये वो डाकुओं का सरदार गा रहा है। ये जन अच्छा था प्रभु पृथ्वी ते खाए,
पुना सच्चा प्रति तारे हई न सहाय। तीन भगवान, अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती पृथ्वी पर गिर जाता है तो पृथ्वी तो उसे सहायता करती, सपोर्ट करती, इसलिए भगवान वो डाकुओं का सरदार बोल रहा है, मैं भी अपनी पोजीशन से गिर गया था, मेरी भी रक्षा कीजिए। ऐसा बोला गया है कि जो लोग ट्रिप करते हैं, मतलब किसी कारण से नीचे गिर जाते हैं, तो पृथ्वी उनको सपोर्ट करती है, नीचे सहायता करती है, जिससे वो फिर से ऊपर उठ सकते हैं। इसलिए है भगवान, जो आपके प्रति अपराध करते हैं उनका उनके आश्रय आप ही हैं। हे माता जी, तुम्हारे अपराध करे से हो तो हमारा स्मरण दुखतर। इसी प्रकार से जो लोग आपके प्रति अपराध करते हैं उनके उनके अपराध अगर वो आपके चरण कमलों को याद कर ले तो उनके अपराध नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें से जीवर क्षमा सर्व अपराध, पतित जनेरो तुम्हें करह प्रसाद। आप जीवों के सारे अपराध क्षमा कर देते हैं और आप पतित जीवों पे कृपा करते हैं। तथापि यद्यपि अमी ब्रह्मग्न गोवध गोवधि मोरवाड़ा आर प्रभु नाही अपराधी। दस्युओं का सरदार बोलता है, मैंने कई ब्राह्मणों को और गायों को मारा है, हे भगवान मेरे जैसा बड़ा अपराधी कोई नहीं है। सर्व महापातक ही हो तुम्हारे शरण लाइले खंडे तारा संसार बंधन। अगर संसार के सबसे पापी व्यक्ति भी आपके शरण लेता है वो भी भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। जन्मावधि तुम्हीं से जीवे रख प्राण, अंते हो तुम्हीं से प्रभु कर परित्राण। हे भगवान, आप जीवों को उनके जन्म से और मृत्यु से उनकी रक्षा करते हैं। हे शंकर हई ते प्रभु कर आजी रक्षा, जदि जीना प्रभु तबु कैनो है शिक्षा। हे भगवान, मुझे आज इस आपदा से बता लीजिए, अगर मैं आज सरवाइव कर गया मैं इस लेसन को, इस शिक्षा को याद रखूंगा। ये डाकुओं का सरदार प्रार्थना कर रहा, उनकी ऐसी हालत हो गई थी कि सबको कीड़े काट रहे थे, कोई गिर गया, कोई अंधे, सबकी रोशनी चली गई थी आंखों की, जब नित्यानंद प्रभु को लूटने का सोचा उन्होंने, उनके आभूषण लूटने का सोचा। जन्म जन्म प्रभु तुम्ही मुही तोर दास, कीवा जाने मारो न है हो महाराज। जन्म जन्मांतर आप मेरे स्वामी है, मैं आपका सेवक हूँ, मैं जीवित रहूं या मृत्यु हो मेरी कोई इच्छा नहीं। कृपा मैं नित्यानंद चंद्र अवतार, सुनी करी लेना दस्यु गने रे उद्धार। जब नित्यानंद प्रभु ने ये प्रार्थना सुनी, उन्होंने उन दस्यु लोगों का, डकैतों का उद्धार कर दिया। हे मत चिंतित सकल दस्यु गण सबार हैला दुई चक्षु विमोचन। जैसे दस्यु ने इस प्रकार सोचा, उनको दृष्टि फिर से आ गई, भगवान से प्रार्थना मन में सोचा, उनकी दृष्टि फिर से आ गई। नित्यानंद स्वरूप रे शरण प्रभावे झड़ वृष्टि आर कर देहे नहीं लागे। नित्यानंद प्रभु को शरण शरणागतों के वे सारे दुखों से और तूफान आदि तूफान के कारण जो दुख हो रहा था उससे मुक्त हो गए। गतक शने पथ देखी सब दस्युगण मृत्यु प्राय है सब एक करी लगा मन। थोड़ी देर बाद दस्युओं को अपना रास्ता दिखा और वे सब मृत्यु के समान
वे सब जो है मृत व्यक्ति के समान घर आ गए, बड़ी मुश्किल से वहां से छूटे। सबे घरे गिया से मते दस्यु गण, गंगा स्नाने करी लेना गिया से क्षण। इस प्रकार घर वापस आके सारे दस्यु जो है इमीडिएटली गंगा स्नान करने गए। दस्यु सेनापति तिज कांदीते कांदीते नित्यानंद चरणे आइला सेवते। जो दस्युओं का डकैतों का जो लीडर था वो फिर रोते रोते नित्यानंद प्रभु के पास में आया। वो ब्राह्मण पुत्र था लेकिन गलती से वो दस्यु बन गया था, डकैत बन गया था। वासी आच्छा ने नित्यानंद विश्वनाथ पति ते जने रे करे शुभ दृष्टिपात। नित्यानंद प्रभु जो ब्रह्मांड के स्वामी है वहां बैठे हुए थे, अपने पतित लोगों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाल रहे थे। चतुर दिखे भक्त गण कर हरि ध्वनि आनंद हुंकार करे अवधूत मणि। जो भक्त लोग ये चारों दिशाओं में हरि की ध्वनि से गूंज रहे थे और अवधूतों के शिरोमणि हैं वो आनंद में गर्जना कर रहे थे। सही महा दस्यु ध्वजी है नहीं समय त्राही बोली बाहुतुली दंडवत है। उस समय जो डेकोइट ब्राह्मण था, दस्यु ब्राह्मण था, दस्यु जो डाकुओं का सरदार था वो ब्राह्मण था, वो वहां पहुंच गया और उसने हाथ उठा के बोला हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार से दंडवत प्रणाम किया। आपदा मस्तक पुल केत सब अंगे निरवधि अश्रुधार वह महाकंपे। उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए और वो लगातार आंसू बहाने लगा, उनके शरीर कांपने लगा। ओंकार गर्जन निरवधि करे प्रेमे बाहे नाही जाने विप्र करे क्रंदने। वो लगातार जोर से गर्जना करने लगा और प्रेम में, भगवत प्रेम में जोर जोर से गर्जने लगा। वो ब्राह्मण ने अपनी सारी बाहरी चेतना खो दी और जो से रोने लगा जोर से। नित्यानंद स्वरूप प्रभु देखिया आपन अपनी नाचे हरि सीता हैया। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु के ऐश्वर्य को देख के, नित्यानंद प्रभु को देख के डांस करने लगा वहां पे। त्राही बाप नित्यानंद पतित पावन बहुत उले मात्र बोले घन घन। उसने अपनी भुजाएं उठा ली और रिपीटेडली ओ नित्यानंद ओ पतित पावन मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ये डाकुओं का सरदार ऐसा बोल रहा है। देखी हई लेना सबे परम विस्मित ऐ मत दस्युरे केने मत चरे। जब सबने देखा उस डाकुओं का व्यवहार देखा वो सबको अद्भुत आश्चर्य हुआ। सबने सोचने लगे ऐसा बड़ा डाकू किस ऐसा व्यवहार कैसे कर रहा है। के हाँ बोले माया वा करिया असी अच्छे कौन पाक करिया वा खाना दिया पाछे। किसी ने सोचा कि ये कोई ट्रिक प्ले कर रहा है और इस बहाने बाद में ये घर लूट लेगा। तो बाय नेचर क्या होता है, जो डुप्लीशियस लोग होते हैं बाहरी बाहर से सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी बताते हैं, सरलता और नम्रता बताते हैं, बट लेकिन अवसर आने पे वे अवैध कार्य करते हैं। कि यह बोले नित्यानंद पतित पावन कृपया इहारा वा हैला भाल मन। किसी ने कहा नित्यानंद तो पतितों के उद्धारक हैं, ऐसा लगता है कि उनकी कृपा से नित्यानंद के प्रभु प्रभु की कृपा से इस डाकुओं के सरदार का हृदय परिवर्तित हो गया। विप्रेरा अत्यंत प्रेम विकार देखिया जी जन शिला नित्यानंद ऐसा तहसिया। उस ब्राह्मण में उस आध्यात्मिक प्रेम को देख के नित्यानंद स्माइल करने लगे और उससे पूछा। प्रभु बोले कहा द्विजे की तो मारा रीता बड़ा था तुम्हारे देखी अद्भुत चरिता। भगवान ने उसे पूछा उस दस डाकुओं के सरदार से
मुझे बताओ ब्राह्मण, ये किस प्रकार का व्यवहार है? मैं तो तुम्हारा व्यवहार, तुम तो डाकुओं के सरदार थे, तुम्हारा व्यवहार देख के तो मुझे आश्चर्य हो रहा है। देखिला कि सुनीला कृष्ण अनुभव किछु चिंता नहीं, आक पक्का कपटे कहे सब। तुमने का कुछ ऐसा देखा या तुमने कुछ ऐसा सुना जिससे तुम्हें कृष्ण का अनुभव हुआ हो? चिंता मत करो, फ्रेंकली बताओ। सुनिया प्रभु रे वाक्य, सुकृति ब्राह्मण कही ते ना परे किछु करे क्रंदन। भगवान के ऐसे शब्द सुन के जो भाग्यशाली ब्राह्मण थे वो कुछ बोल नहीं पाया, बट रोने ही लगा। गदा गदी जाए पदी, सकल अंगने हंसे कंदे नाचे गाए अपने अपने। वो पूरे आंगन में रोल करने लगा और तुरंत हंसने लगा, रोने लगा, डांस करने लगा और गाने लगा। ये सब डाकुओं के सदर की हालत है। सुस्थिर हैया द्विज, तबे कतक क्षणे कही ते लागिला सब प्रभु विद्यमान। कुछ समय बाद वो ब्राह्मण पैसिफाई होगा, शांत हो गया और भगवान से, नित्यानंद प्रभु से बात करने लगा। ए नादिया प्रभु वसति अमार, नामा सा ब्राह्मण व्याध चंडाल आचार। वो बोला भगवान, मैं इसी नादिया में रहता हूँ, हालांकि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे को लोग ब्राह्मण के नाम से जानते हैं, लेकिन मेरा जो व्यवहार है वो शिकारी या चंडाल के समान है। निरंतर दुष्ट संग करी डाका चोरी, प्रहिम सा वही जन्मे आर नाहीं करी। मैं हमेशा दुष्ट लोगों के साथ, हमें ना हमेशा मैंने चोरी के कार्य किए, बर्थ से ही जन्म से ही मैंने दूसरों के प्रति हिंसा ही की। केवल मोरे देखी सर्वनव दीपे कान, कांपे डरे कि बा पापा नहीं है हमारे शरीर। नवदीप के लोग भय में कांपते हैं जब मेरे मुझे देखते हैं, ऐसा कोई पाप नहीं जो मैंने नहीं किया है। देखिए तुम्हारा अंगे दिव्य अलंकार, तहां हरि बारे चित्त हैले अमान। मैंने जब मैंने देखा कि आपका शरीर तो डेकोरेट है अमूल्य आभूषणों से, मैंने उनको चोरी करने का सोचा था। अभी अपनी कहानी सुना रहा है डकैत का सदा। एक दिन साजी बहु लाए दस्युगन, हरि ते आइलो मुनि श्री अंगिर धन। एक दिन मैंने हथियार से सहित एक डाकुओं का ग्रुप लाया था आपके आभूषण को चुराने के लिए। से दिन निद्रा प्रभु मोहिल सबारे, तुम्हारे माया नहीं जानी लुम तुम्हारे। उस रात्रि को आपने हमें भ्रमित कर दिया और हम नींद में चले गए, पर मेरी आपकी मायावी शक्ति से मैं कुछ समझ नहीं पाया। आर दिन नाना मते चंदी का पूजिया, आई लाना खाना चुड़ी त्रिशूल कचिया। दूसरे नाइट में हमने चंडी की देवी की पूजा की अलग अलग सामग्री से, और फिर उसके बाद में हम हथियार लाए थे, चाकू लाए थे, त्रिशूल लाए थे आपको लूटने के लिए। अद्भुत महिमा देखी लाना सही दिने, सर्व बड़ी अच्छे बेदी पादा थी गगन। उस रात्रि में हमने एक अद्भुत घटना देखी, सारा घर आपका जो जिसमें आप रुके हुए थे वो सिपाहियों से भरा हुआ था। एतक के पादा थी का जेन मत मत हस्ती प्राय, अज्ञान लंबित माला सभा रह गलाए। हर सोल्जर इतना पावरफुल था जैसे एक पागल हाथी होता है, और वे सब सुशोभित थे गार्लैंड से। वो सारे सोल्जर थे सुशोभित मालाओं से, वो मालाएं उनके घुटनों तक जा रही थी। निरावधि हरि ध्वनि सबार वदने, तुम ही अच्छा ग्रहे माजे आनंद शयने। और सब हरि का नाम ले रहे थे और आप आनंद से घर पे सहज
अंदर सो रहे थे। हे न सपा पिष्पा चित्त अमा सभाकार तबु नहीं बुझी अलन महिमा तुमान। लेकिन हमारे हृदय इतने पाप पाप से भरे हुए थे कि हम आपकी महिमा को समझ नहीं पाए। कर पदतिका आशिया छे को था है ते एता भावी से दिना गेला ना सही मते। हमने सोचा कि सिपाही कहीं और से आए जो आपके घर को घेरे हुए खड़े थे, आपके घर की रक्षा कर रहे थे। इस प्रकार हमने सोच के हम वापिस अपने घर चले गए। तबे कत दीना भैया जे कली आई लाना आशी आई मात्र दुई चक्षु खाई लाना। उसके कुछ दिनों बाद हम फिर से रात्रि में आए, पर जैसे हम वहां पहुंचे हमने अपना दृष्टि खो दिया, मंदे हो गए। आपको लूटने के हिसाब से तीसरी बार आए थे। बाजी ते प्रविष्ट है सब दस्य घन अंधा है सबे पदे लीना नाना स्थाने। जब मैं आप आंगन में गया, मेरे घर के आंगन में गया डाकुओं के ग्रुप के साथ में, हमने सबने अपनी आंखें की दृष्टि खो दी और अलग अलग स्थानों पर गिर गए। कांता जो का पुक्का जहां कांता जो का पुक्का झंडा वृष्टि शिला घटे सबे मरी कारो शक्ति नहीं की जात। हम सब लोग कांटों से, लीच से, कीड़ मकोड़ों से, आंधी तूफान से और ओला वृष्टि से हमें काफी कष्ट हुआ और हमारे पास हम इतने दुखी हो कि हमारे पास जाने के लिए शक्ति नहीं बची। महाजमे यातना हैला यदि भोग तबे शेष सवारे हैला भक्ति योग। जब हम इस प्रकार से यमराज के पनिशमेंट से कष्ट पाए हमने, तब हमारे अंदर आपके प्रति भक्ति उत्पन्न हुई। ये सब डाकुओं का सरदार सुना रहा। तुम्हारा कृपाया सबे तुक्षमारा चरण करी लुन एकांत भावे सबे स्मरण। आपकी कृपा से हम सब ने आपके चरणों को पूरे ध्यान के साथ स्मरण किया। हाइला सबारा तबे चक्षु विमोचन है न महाप्रभु तुम्हें पति ते पावन। आपके शरण लेने से हमारी दृष्टि वापस आ गई, ये आपकी महानता है। ओ वो पतितों को उद्धार करने वाले हमी सब एदैलो न सब जातनाते तोमार स्मरण कौन वा महिम। इस प्रकार से हम सब लोग हम कष्ट से उत्पन्न हो गए। यही वास्तविक फायदा नहीं आपको याद करने से। जहां रे स्मरण खंडे अविद्या बंधन अनायासी चली जाए वैकुंठ भुवन। आपको याद करने से व्यक्ति अज्ञानता के बंधन से मुक्त हो जाता है और अब और वैकुंठ का धाम प्राप्त करता है। इस प्रकार से जो है ये महिमा, इस महिमा का इस प्रकार से गान हो रहा है। इस प्रकार से आपकी महिमा का ये गान हो रहा। ये नित्यानंद की महिमा इसमें गाई जा रही है। आगे भी नित्यानंद की महिमा और भी है। अभी समय हो रहा है तो हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे की जो नित्यानंद प्रभु की महिमा है, जो डाकुओं का सरदार भी सुना रहा है, उसको हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। आज की क्लास यहीं पे विराम देते हैं।
सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य भागवतम की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।